नमस्कार दोस्तों, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुजराती स्टाइल बेसन का ढोकला रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम समय में और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा ढोकला बन जाता है। मज़ेदार बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला है। अगर आप इस रेसिपीज को देखते हुए ढोकला बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपका ढोकला मार्केट से भी अच्छा बनेगा। अगर आपको बेसन ढोकला की ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट देखते हैं कि बेसन का ढोकला कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, और उसमें मैं डालूँगी एक कप ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। तो यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है एक कप, और इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप वाटर, यानी कि अगर एक कप को चार भागों में बांटे तो उसका 3 भाग हमें यहाँ पानी लेना है। और आधा नींबू का रस लूंगी मैं यहाँ, नींबू बिल्कुल मीडियम साइज़ का है, और इसका रस मैं यहाँ पर निचोड़ के डाल दूंगी इस तरह से। तो यहाँ नींबू का रस मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, और इसके साथ ही मैं डालूंगी लगभग 3 चुटकी हल्दी। तो यहाँ हमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, और मैं एक विस्लर की मदद से इसे बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। तो जितना अच्छा आप इसे यहाँ बीट करेंगे यानी कि आपस में मिलाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्ट ढोकला बनेगा। तो हल्दी इसलिए हमें ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे एक रेड कलर फॉर्म होता है। तो अगर हम ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो हमारा ढोकला रेड कलर का हो जाएगा। तो अब मैं इसे लगभग 20 मिनट्स तक ऐसे ही रख दूंगी ताकि बेसन अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। और 20 मिनट्स हो गए हैं, देखिए यहाँ हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत अच्छे से बेसन ने वाटर को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच नमक। पहले हमने थोड़ा नमक डाला था, थोड़ा नमक अब हम डालेंगे, और 1/4 चम्मच में बेकिंग सोडा डालूंगी, और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें लगभग 2 बड़ा चम्मच पानी ताकि ये आपस में अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसे दोबारा लगभग 30 सेकंड्स के लिए बीट कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें बीट करना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं और सोडा अपना काम परफेक्टली करे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैटर बहुत अच्छे से मिल गया है, और देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी बिल्कुल, देखिए। तो बैटर अब हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब मैंने यहाँ पर एक टिन लिया है, मेरे पास एक स्क्वायर शेप का केक टिन था जिसे मैं ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। यहाँ आप ऑयल बहुत अच्छे से लगा के इसको ग्रीस कीजिए, उससे ढोकला बहुत आसानी से निकलेगा। तो अगर आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप कोई भी बड़ी कटोरी ले सकते हैं। और अब बैटर को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जो भी पूरा हमारा बैटर बना है इसे अच्छे से इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब मैं इसे लगभग 2 बार टैप कर दूंगी केक टिन को ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रह जाए। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें 2 कप पानी मैंने उबाल लिया है, और अब हमने जो केक टिन तैयार किया है उसे मैं सीधे इसमें रख दूंगी। कोई स्टैंड नहीं लगाना है, सीधे ही हमें रख देना है। और अब एक लिड को मैं इसके ऊपर रख दूंगी जो कढ़ाई में बहुत अच्छे से फिट आता है, और 15 मिनट्स तक हम इसे लो फ्लेम में कुक करेंगे। तो यहाँ 15 मिनट्स हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं कि हमारा ढोकला तैयार हुआ है कि नहीं। और एक नाइफ़ जैसा हम केक में इंसर्ट करते हैं वैसे ही इसमें हम इंसर्ट करेंगे, और देखिए नाइफ़ बिल्कुल साफ़ निकला है, दैट मीन्स हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे कम्प्लीटली कूल होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। दूसरी तरफ मैंने उसी कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच ऑयल ले लिया है, और ऑयल को हम कंप्लीट गर्म होने के लिए रखेंगे। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड यानी सरसों का दाना डाल दूंगी, और 5 मैंने करी लीव्स लिए हैं, करी पत्ते, उन्हें मैंने तोड़ के इस तरह से डाल दिया है। देखिए राई इसमें चटकने लगी है। अब मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, इस तरह से मैंने स्लाइस कर लिया है उन्हें, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। तो आप जैसे स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से आप डालिए। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़ा चम्मच शुगर ली है, नॉर्मल शुगर है वो मैंने डाल दी है, और 2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी।
तो अब हमें इसे पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से पानी में घुल नहीं जाती। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल गई है। अब मैंने एक नींबू लिया है और उस नींबू का रस मैं इसमें डाल दूँगी। तो आधा नींबू का रस हमने ढोकले के बैटर में डाला है और एक नींबू का रस हम यहाँ पर शुगर सिरप में डालेंगे। और नींबू का रस डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे और इसके साथ ही हमें गैस को यहाँ पर बंद कर देना है। तो हमें यहाँ नींबू के रस को नहीं पकाना है, बस हमें इसी समय गैस को बंद कर देना है और इसे नॉर्मल टेम्परेचर में आने तक छोड़ देंगे, ऐसे ही जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाता। तब तक देखिए हमारा ढोकला पूरी तरह ठंडा हो गया है और मैंने इस तरह से एक थाली ले ली है गहरी, इसमें मैं ढोकले को निकाल लूँगी। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से टैप करेंगे और बहुत आसानी से ढोकला देखिए हमारा निकल आया और हमारा टिन भी कितना क्लीन है। तो चलिए देखते हैं कि ढोकला स्पॉन्जी हुआ है कि नहीं और फूला है कि नहीं। देखिए वाओ, कितना परफेक्ट ढोकला फूला है, परफेक्ट स्पॉन्ज है। यहाँ हमारे ढोकले का बेस बिल्कुल ही परफेक्ट बना है। तो अब मैं इसे एक नाइफ़ की मदद से कट कर देती हूँ। आपको जो भी शेप चाहिए आप उस शेप में काट लीजिए और जितना बड़ा साइज़ चाहिए उस साइज़ पर काट लीजिए। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, जो ट्रेडिशनल ढोकले का शेप होता है। और मैं यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में मैंने इसको कट किया है। बहुत आसानी से देखिए कट हो रहा है, कोई नाइफ को बहुत तेज़ी से इंसर्ट नहीं करना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए इस तरह से मैं इसे काट लूँगी। देखिए यहाँ मैं आपको कैमरे से दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देखिए तो यहाँ पर गहरी थाली लेने का मोटो ये था कि हम जब इसमें सिरप डालें तो ये अच्छे से इसको एब्जॉर्व करे और जितना भी टाइम ये इसमें डूबेगा बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगा। तो अब जो शुगर सिरप है वो भी नॉर्मल हो गया है और मैं इसे चम्मच की मदद से इसके ऊपर डालूँगी। तो जैसे हम ऊपर डालेंगे तो ये अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा। तो इस तरह से चम्मच की मदद से मैं शुगर सिरप इसमें डालूँगी। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सिरप हम डालते जाएंगे, ऊपर से ही हम डालेंगे ताकि ऊपर से नीचे की ओर रस जाए। और थाली ली है हमने तो जो भी शुगर सिरप होगा वो थाली में ही रहेगा और धीरे धीरे बेसन अपने अंदर शुगर सिरप को एब्जॉर्व करेगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप बचा लिया है जो मैं थोड़ी देर में डालूँगी 15 मिनट में। और यहाँ पर देखिए मैंने सारा ही शुगर सिरप इसमें डाल दिया है और अब किनारे से ऐसे लेके हम इसमें 10-15 मिनट में ऐसे ऊपर की ओर डालेंगे ताकि ऊपर भी बहुत अच्छे से रस आ जाए। और अब इसे हमें कंप्लीट ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखिए ढोकले बनके बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इन्हें सर्व कर देती हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पर इसको एक चिमटे से उठा रही हूँ और फिर भी देखिए ये टूट नहीं रहा है। दैट मीन्स ये परफेक्ट शेप में बना है, बहुत ज़्यादा ओवर सॉफ्ट भी नहीं है कि उठाने में टूट जाए। अच्छे से अंदर इसमें जूस गया है और बहुत अच्छा ये फूला है। परफेक्ट स्पॉन्ज है, मुंह में रखते ही घुल जाएगा। और थोड़ा सा ऊपर से मैं सिरप और डाल दूंगी और यहाँ पर हमारा परफेक्ट ढोकला गुजराती स्टाइल बनके रेडी है। देखिए नाश्ते में खाना है तो नाश्ते में खाइए, टी टाइम में खाना है तो टी टाइम में खाइए। परफेक्ट ढोकला है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लो ऑयल है, स्टीम में पका है तो सेहत से भरपूर तो है ही, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डली है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी और एक्साइटिंग फूड रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक होम टिप्स देखते रहिए। आपका धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुजराती स्टाइल बेसन का ढोकला रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम समय में और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा ढोकला बन जाता है। मज़ेदार बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला है। अगर आप इस रेसिपीज़ को देखते हुए ढोकला बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपका ढोकला मार्केट से भी अच्छा बनेगा। अगर आपको बेसन ढोकला की ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट देखते हैं कि बेसन का ढोकला कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, और उसमें मैं डालूँगी एक कप ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। तो यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है एक कप, और इसमें मैं डालूँगी 3/4 कप वाटर, यानी कि अगर एक कप को चार भागों में बांटे तो उसका 3 भाग हमें यहाँ पानी लेना है। और आधा नींबू का रस लूँगी मैं यहाँ, नींबू बिल्कुल मीडियम साइज़ का है, और इसका रस मैं यहाँ पर निचोड़ के डाल दूँगी इस तरह से। तो यहाँ नींबू का रस मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच नमक, और इसके साथ ही मैं डालूँगी लगभग 3 चुटकी हल्दी। तो यहाँ हमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, और मैं एक विस्लर की मदद से इसे बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। तो जितना अच्छा आप इसे यहाँ बीट करेंगे यानी कि आपस में मिलाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्ट ढोकला बनेगा। तो हल्दी इसलिए हमें ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि यहाँ पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे एक रेड कलर फॉर्म होता है। तो अगर हम ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो हमारा ढोकला रेड कलर का हो जाएगा। तो अब मैं इसे लगभग 20 मिनट्स तक ऐसे ही रख दूँगी ताकि बेसन अच्छे से पानी को एब्जॉर्व कर ले। और 20 मिनट्स हो गए हैं, देखिए यहाँ हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत अच्छे से बेसन ने वाटर को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच नमक। पहले हमने थोड़ा नमक डाला था, थोड़ा नमक अब हम डालेंगे, और 1/4 चम्मच में बेकिंग सोडा डालूँगी, और इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें लगभग 2 बड़ा चम्मच पानी ताकि ये आपस में अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसे दोबारा लगभग 30 सेकंड्स के लिए बीट कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें बीट करना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं और सोडा अपना काम परफेक्टली करे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैटर बहुत अच्छे से मिल गया है, और देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी बिल्कुल, देखिए। तो बैटर अब हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब मैंने यहाँ पर एक टिन लिया है, मेरे पास एक स्क्वायर शेप का केक टिन था जिसे मैं ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। यहाँ आप ऑयल बहुत अच्छे से लगा के इसको ग्रीस कीजिए, उससे ढोकला बहुत आसानी से निकलेगा। तो अगर आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप कोई भी बड़ी कटोरी ले सकते हैं। और अब बैटर को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जो भी पूरा हमारा बैटर बना है इसे अच्छे से इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब मैं इसे लगभग 2 बार टैप कर दूंगी केक टिन को ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रह जाए। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें 2 कप पानी मैंने उबाल लिया है, और अब हमने जो केक टिन तैयार किया है उसे मैं सीधे इसमें रख दूंगी। कोई स्टैंड नहीं लगाना है, सीधे ही हमें रख देना है। और अब एक लिड को मैं इसके ऊपर रख दूंगी जो कढ़ाई में बहुत अच्छे से फिट आता है, और 15 मिनट्स तक हम इसे लो फ्लेम में कुक करेंगे। तो यहाँ 15 मिनट्स हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं कि हमारा ढोकला तैयार हुआ है कि नहीं। और एक नाइफ़ जैसा हम केक में इंसर्ट करते हैं वैसे ही इसमें हम इंसर्ट करेंगे, और देखिए नाइफ़ बिल्कुल साफ़ निकला है। दैट मीन्स हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे कम्प्लीटली कूल होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। दूसरी तरफ मैंने उसी कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच ऑयल ले लिया है, और ऑयल को हम कंप्लीट गर्म होने के लिए रखेंगे।